व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, चलिए बात करते हैं। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तो हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। लेवाइट, लेवाइट मतलब लिया जाता है, कहां लिया जाता है, लिया जाता है ऑन सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब जब आप गुड्स का सप्लाई या सर्विसेज का सप्लाई करोगे तो वहां पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों का आप सप्लाई करोगे तो वहां भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मींस छोड़ करके, क्या क्या जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मींस शराब, शराब जीएसटी से बाहर है, इसमें भी पुराना टैक्स लगाया जाता है। फाइव, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोलियम क्रूड हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, एटीएफ मींस एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि हवाई जहाज में डाला जाता है, और नेचुरल गैस, फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी जीएसटी नहीं लगाया गया है, वो भी जीएसटी से बाहर है। रियल एस्टेट सेक्टर मींस जहां पर ई मूवेबल प्रॉपर्टीज का सेल परचेज होता है, और ई मूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा जीएसटी से बाहर रहा है, यहां पर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट मींस तंबाकू या उससे बने कोई भी प्रोडक्ट, जीएसटी से बाहर, इसमें पुराने टैक्स लगते हैं। और ऑफियम, ऑफियम जहां पर जिसको अफीम बोलते हैं, और इंडियन हैम जो कि भांग है, और नारकोटिक ड्रग्स मींस नशीले पदार्थ, ये सब में भी जीएसटी नहीं लगाया गया, मींस यहां पर पूरा का पूरा पुराना टैक्स जो कि वैट, सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, ये सारे एप्लीकेबल है पुराने टैक्स।